चलिए तो हम लोग ये स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। मैंने आपको बैक क्लास ही बताया था एक फार्मूला केपी केसी में रिलेशन, तो वो दिमाग में रखना है कि केपी और केसी में जो रिलेशन है, ध्यान से सुनिएगा, केपी केसी में क्या रिलेशन है पहले तो आपको ये बैठाना है। तो केपी बराबर मैंने आपको बताया था कि होता है केसी इंटू आरटी का पावर डेल्टा है। जिस आर का वैल्यू आपको लेके चलना है, कितना लेना है, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर कैल्विन, और टेम्परेचर तो आपको कैल्विन में लेना है, सो तो लेना ही। तो केपी का रिलेशन बताओ, केपी केसी में क्या रिलेशन निकला, केपी बराबर केसी इंटू आरटी का पावर डेल्टा एन निकला। अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इस पे कुछ काम कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने आपको बोला कि सो सपोज ऐसा दे रहे हैं, मैंने बोला कि सो आप एक काम करो, N2+3H2 ये दे रहा है 2NH3। मैंने बोला कि इसमें केपी केसी के बीच में रिलेशन आपको स्टेबलाइज करना है, तो पहले एक काम करो कि केपी केसी में रिलेशन स्टेबलाइज करने के लिए आप क्या करोगे। सबसे पहला तो आप, मैंने यहाँ पे बोल दिया है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, तो सबसे पहला काम आपका ये बनता है कि सो आप पहला यहाँ पे डेल्टा एन का वैल्यू निकालो। डेल्टा एन कैसे निकालोगे, NP- NR के हेल्प से। प्रोडक्ट का मोल्स कितना है, 2 माइनस। रिएक्टेंट का कितना है कोएफिशिएंट, सो देखो मैंने बोला था मोल्स का कहने का सेंस है कोएफिशिएंट आपको लेना है, H2 का 3 है और N2 का 1 है, 3 × 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बताओ 4 है तो 2 में से 4 गया, ये वैल्यू हो जाएगा -2। तो केपी का रिलेशन आप क्या लिखोगे, केपी बराबर केसी आरटी का पावर डेल्टा एन के जगह डाल दोगे -2, तो यहाँ से आ जाएगा आपको केपी केसी में रिलेशन आ जाएगा। मान लो कि मैंने ऐसा दिया है, सपोज मैंने एक और एग्जांपल के फॉर्म में दे दिया आपको, मैंने बोला कि सो आप ऐसा करो कि कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, ठीक है, इसको आप, ये टूट के आपको दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, वो ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये आपका गैस है। अब मैंने बोला कि इसमें आप रिलेशन स्टेबलाइज करो, तो सबसे पहला केपी केसी में रिलेशन स्टेबलाइज से पहले आपका काम बनता है डेल्टा एन निकालना। डेल्टा एन पहले निकाल लो, देखो कैसे डेल्टा एन निकालेंगे। डेल्टा एन के लिए मैंने आपको बताया है NP- NR करना है। बताओ NP कैसे, प्रोडक्ट वाला लिखना। मैंने बोला था ना कि जब भी डेल्टा एन निकालना है तो जो सॉलिड टर्म है उसके जगह जीरो बैठाना है, चाहे कोएफिशिएंट कितना भी क्यों ना। CO2 के आगे कोएफिशिएंट बताओ कितना आपको दिखाई दे रहा है, 1। CaO के आगे भी 1 और CaCO3 के भी आगे 1, लेकिन उससे मतलब नहीं है। CO2 गैस है तो इसके लिए 1 लेंगे और CaO सॉलिड है तो इसके लिए 0 लेंगे। माइनस रिएक्टेंट में 1 है लेकिन सॉलिड है तो 0 लेंगे, डेल्टा एन का वैल्यू 1 हो जाएगा। केपी केसी में रिलेशन पूछ रहा है तो केपी बराबर केसी आरटी का पावर डेल्टा एन के जगह कितना बैठा दोगे, डेल्टा एन का वैल्यू 1 आ रहा है तो 1 बैठा दोगे। तो ये है बाबू केपी केसी में रिलेशन। जब भी कभी आपसे कोई पूछे कि केपी केसी में रिलेशन बताओ तो आप इस तरह से बता सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको समझ में आया सही से। मैंने ले लिया है, मैंने बोला कि फाइंड रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, ठीक है ना, फाइंड रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी इफ केसी बराबर 4×10^2 मोल, ठीक है ना, -3 L3, ठीक है, एट 27°C। ऐसा बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि केपी केसी में रिलेशन बताओ, ठीक है ना। तो आप एक काम करो ना, आपसे अगर इस तरह से बोल रहा है तो बताओ आप कैसे सोचोगे। आप सिंपली ऐसे सोचो कि केसी दिया कितना हुआ है, केसी दिया हुआ है आपको बाबू 4×10^2 मोल का पावर -3 L का पावर 3। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो 4×10^2 मोल भी ले लो कॉमन और लीटर का पावर -1, और यहाँ पे -3 लिख सकते क्या,
गुना करोगे तो अल्टीमेटली तो यही आ जाएगा ना। अब हमें ये बताना कि केसी का यूनिट आपने क्या पढ़ा था। केसी का यूनिट पढ़ा था मोल पर लीटर का पावर डेल्टा एन पढ़ा था। अब दोनों यूनिट को आपस में कंपेयर कर दो। जैसे कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, मोल पर लीटर का पावर डेल्टा एन बराबर मोल पर लीटर का पावर -3। अगेन फिर से मैं समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। आपने क्या किया है कि यहाँ पे जो यूनिट आपको गिवेन था, गिवेन यूनिट क्या है आपको, मोल पर लीटर का पावर -3, ये 1 मान लो, इसे 2 मान लो। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से चल रहे हैं, तो 1 एंड 2 से अगर चल रहे हो तो आप क्या लिखोगे बताओ। ये भी केसी का यूनिट है, ये भी केसी का यूनिट है, दोनों को आपस में इक्वेट कर दिए, तो बताओ मोल पर लीटर यहाँ भी है, मोल पर लीटर यहाँ, तो डेल्टा एन बराबर लिख सकते हैं -3, तो डेल एन का वैल्यू -3 आ जाएगा। तो बताओ आपने क्या पढ़ा, के पी बराबर के सी आर टी का पावर, डेल्टा एन की जगह बैठा दो, डेल्टा एन होता है, क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ, के पी बराबर के सी आर टी का पावर, और डेल्टा एन की जगह -3 बैठा दोगे तो यहाँ से आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन मान लो मैंने ऐसा लिया है, सपोज मैंने क्या कहा कि इस तरह से बोल रहे, लॉग के पी, ठीक है, प्लस ऐसा कह रहे हैं, हमने बोल दिया कि लॉग के पी प्लस 2 RT टू लॉग RT कर दो आप यहाँ पे, लॉग 2 RT टू लॉग RT बराबर लॉग KC, ठीक है ना। इट इज एप्लीकेबल फॉर विच रिएक्शन, कौन से रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए में है बाबू H2+I2 इक्विलिब्रियम का साइन 2HI, बी में है PCl5 PCl3+Cl2, सी में है आपको N2+3H2 इक्विलिब्रियम का साइन 2NH3, और डी में आपको दिया हुआ है, ऐसा दे दिया है 2NO2 इक्विलिब्रियम का साइन N2O4। अब देखो इस तरह से दे दिया है और आपसे बोल रहा है कि बताओ आप ये वाला एक्सप्रेशन किसके लिए आप लगाओगे। आप एक काम करो, आपको पता है ना कि केपी केसी में रिलेशन क्या होता है, हमें ये बता दो। केपी बराबर आपने पढ़ा है केसी आरटी का पावर डेल्टा, आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिखो, केपी बराबर आपने पढ़ा है ना केसी आरटी का पावर डेल्टा। अब करना क्या है बाबू कि दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉग ले लो, तो कैसे लिखोगे, लॉग के पी बराबर लॉग के सी आर टी का पावर डेल्टा एन, ठीक है, क्लियर, ये आर टी का पावर डेल्टा एन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लॉग के प्रॉपर्टी से हम लोग चल रहे हैं, लॉग के पी का के पी रहने दे रहे हैं। आपने पढ़ा है ना लॉग ए इंटू बी का प्रॉपर्टी क्या होता है बताओ, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, लॉग का प्रॉपर्टी लगा दे रहे हैं। ये देखो ये ए का काम करेगा और इतना से इतना वाला बी का काम करेगा, तो लॉग ए इंटू लॉग बी, लॉग ए इंटू बी को क्या लिखेंगे, लॉग ए, तो लॉग के सी, अब प्लस लॉग बी, तो लॉग बी को क्या लिखेंगे, आर टी का पावर डेल्टा एन लिख सकते हैं। तो लॉग के पी बराबर लॉग के सी, पावर टर्म को बाहर फेंक दोगे तो ये होगा डेल्टा एन लॉग आर टी लिख सकते हैं। पहले आप इतना बात को समझो और अगर इसमें कहीं दिक्कत है तो आपको बताना है। तो ये हो गया लॉग के पी बराबर लॉग के सी प्लस, अब हमको क्या करना है कि हमको जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है उसके टर्म में लाना है। दिया हुआ एक्सप्रेशन आप देख लो क्या है, लॉग के पी प्लस 2 log RT बराबर log KC लिख सकते हैं।
तो हम लोग एक काम कर रहे हैं, हम लोग को ऐसा करना है कि लॉग के सी निकालना है, तो आप ऐसा करो लॉग के पी का के पी रहने दो, इस वाले वैल्यू को इस तरफ ले लो, तो ये इधर आएगा तो बताओ ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एन, ये वाला इस तरफ आएगा तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा एन लॉग आर टी बराबर लॉग के सी लिख सकते हो। देखो किए कुछ नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ मैं आपको दिखाई दे रहा है लॉग लिया हुआ है, हमने क्या किया हमने दोनों तरफ ले लिया है लॉग, टेकिंग एल एन बॉथ साइड, टेकिंग लॉग बॉथ साइड, आप दोनों तरफ लॉग तो ले ही सकते हो क्योंकि दोनों तरफ लॉग लोगे तो लॉग से लॉग कैंसिल भी कर सकते हो, तो लॉग के टर्म में था क्वेश्चन तो लॉग के टर्म में बदल दिए, के पी बराबर के सी इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन, तो आपने क्या किया दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो लॉग के पी बराबर लॉग के सी आर टी का पावर डेल्टा एन, अब के सी आर टी का पावर डेल्टा एन ए इंटू बी के टर्म में लिख दिए, लॉग के सी प्लस लॉग आर टी का पावर डेल्टा एन। अच्छा एक चीज आप आपने पढ़ा होगा बेसिक मैथ है, लॉग ए का पावर एक्स को लिख सकते हैं एक्स लॉग ए, तो लॉग आर टी का पावर डेल्टा एन को लिख सकते हैं डेल्टा एन लॉग आर टी। अब देखो दिया हुआ एक्सप्रेशन में देखो लॉग के पी और आर टी एक तरफ है, तो लॉग के पी और आर टी एक तरफ है तो ये प्लस में बराबर के इधर आएगा, तो माइनस लॉग के सी लिख सकते हैं। अब आप अगर इसको ये कर रहे हो तो आप जरा ध्यान से देखना हमको मिलाना है कि किस में ये वैल्यू आ जा रहा है, लॉग के सी बराबर लॉग के पी निकल के आया है माइनस डेल्टा एन लॉग आर टी के बराबर। अब एक बात बताओ जिसमें मैच कर जाएगा वो हो जाएगा आंसर, तो चलो एक एक कर करके चेक करते हैं, पहला तो वन बाई वन चेक करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक काम करो बाबू, करना क्या है कि आपको थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, जरा ध्यान से देखना आपका जो रिएक्शन है उसको देखो, पहले आप रिएक्शन में आपको क्या क्या दिया हुआ है ये देख लो, पहला में रिएक्शन में ऑप्शन ए वाले में डेल्टा एन निकाल दो, ए वाले में डेल्टा एन कैसे निकालोगे, डेल्टा एन निकालने का सिंपल सा तरीका है एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में कोएफिशिएंट दो है और रिएक्टेंट में भी एक एक दो है, डेल्टा एन का वैल्यू जीरो हो जाएगा, डेल्टा एन का वैल्यू जीरो होते ही लॉग के पी बराबर सॉरी लॉग के सी बराबर यहाँ से फ्रॉम वन से चल रहे हैं, सब में हम लोग बात करेंगे फ्रॉम वन से ही बात कर रहे हैं, फ्रॉम वन इक्वेशन से बात कर रहे हैं, तो लॉग के सी बराबर लिख सकते हैं लॉग के पी और डेल एन के जगह बता दो कितना डाल देंगे, डेल एन का वैल्यू आपको आया जीरो तो डेल्टा एन के जगह जीरो लॉग आर टी, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग के पी बराबर लॉग के सी, जो कि ऑप्शन में तो टैली खाया नहीं, बी ऑप्शन में आ जाओ डेल्टा एन का वैल्यू बता दो, डेल्टा एन के जगह कितना आएगा बताओ, प्रोडक्ट में कितना कोएफिशिएंट है एक एक दो, रिएक्टेंट में कितना है वन, दो में से एक एक गया कितना हो जाएगा एक, एक डालोगे तो आपको आएगा लॉग के सी बराबर लॉग के सी बराबर लॉग के पी माइनस डेल्टा एन के जगह वन लॉग आर टी, क्या ये आया है, क्या आपको एक्सप्रेशन ये लाना है, क्या ये वाला आया लॉग के पी, तो आया देखो लॉग के सी बराबर लॉग के पी और यहाँ प्लस टू लॉग आर टी चाहिए, यहाँ माइनस वन आर टी है, ये भी नहीं कहा। चलो अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, चलिए ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, सी वाले में आपको चेक करना है, सी वाले में डेल्टा एन निकाल लो, डेल्टा एन कैसे निकालोगे जरा ध्यान से देखना, एन पी प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट दो माइनस रिएक्टेंट तीन है एक चार, यानी हो जाएगा माइनस टू, मतलब कि होगा लॉग के सी बराबर लॉग के पी और यहाँ देखो डेल्टा एन के जगह बैठा दो माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस टू लॉग आर टी, अब बताओ ये हो जाएगा लॉग के सी बराबर लॉग के पी माइनस माइनस प्लस टू लॉग आर टी और ये मैच खा गया, यही आपको लाना था, तो कौन सा ऑप्शन से आया है सी ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, और अगेन अगर आपने ऑप्शन डी में चला है, डी वाले ऑप्शन को अगर आप मिलाते हो तो डी वाला में भी आपको क्या होने वाला, पहले क्वेश्चन लिख लेना आप, ये तो हम रफ करते जा रहे हैं, तो ये क्या है आपको टू एन ओ टू ऑप्शन डी की बात कर रहे हैं, ये जा रहा है एन टू ओ फोर में, बता दो इसका डेल्टा एन कैसे लिखोगे, डेल्टा एन मोल प्रोडक्ट वन मोल रिएक्टेंट टू माइनस वन, यानी कि आप लिखने वाले हो लॉग के सी बराबर ये वाला फ्रॉम वन में ही बैठाना है लॉग के सी बराबर लॉग के पी माइनस
-1 log RT कर देना है, यानी ये हो जाएगा log KP, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस log RT। कौन सा इकलौता ऑप्शन टैली खाया है, वो ऑप्शन सी नंबर आपको जो कि लाना था हमको log KP प्लस 2 log RT बराबर log KC, जो ऑप्शन सी वाला मिला है, इसलिए आंसर हमारा सी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो आप बैठा लोगे जब भी केपी केसी में रिलेशन आपसे पूछा जाए तो आप कैसे बताने वाले हो, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए जरा ध्यान से सुनते हैं बबू। तो ये तो था आपका केपी केसी में रिलेशन, तो आपने क्या देखा पहले ये बताओ। आपने देखा कि सर केपी बराबर आया है केसी इंटू आरटी का पावर डेल्टा एन आया है, ठीक है। और एक टर्म और आप बैठा लो, जैसा कि आपने देखा है कि लॉग लेके हम लोग चले थे, कैसे कैसे आया वो सब पे क्वेश्चन करवाए, अगर दिक्कत हो एक बार आप और अटेम्प्ट लेना, दिक्कत हो तो पूछना है, ठीक है। तो केपी बराबर केसी इंटू आरटी का पावर डेल्टा एन, ये रिलेशन था केपी केसी में, डेल्टा एन के बारे में हम लोग देख ही चुके हैं। अब आ जाओ इस पे हम लोग केस बाई केस चलते हैं। केस फर्स्ट है कि एफ डेल्टा एन बराबर 0 हो जाए। अब यार ये 0 कब हो सकता है ये बताओ। 0 तो तभी होगा जब मोल प्रोडक्ट में जो मोल है वो बराबर हो जाए मोल्स रिएक्टेंट के, मोल ऑफ रिएक्टेंट के। जो प्रोडक्ट साइड का जो मोल है वो किसके बराबर हो जाए, रिएक्टेंट के मोल के, तो डेल्टा एन 0 होगा। मतलब कि डेल एन का फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है, एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट होता है। 0 तभी होगा जब जितना प्रोडक्ट में मोल हो उतना रिएक्टेंट में मोल हो, तभी तो डिफरेंस 0 होगा। तो 0 होने के लिए, डेल्टा एन 0 होने के लिए आपको जितना मोल्स का प्रोडक्ट होगा उतना ही रिएक्टेंट का होना चाहिए। तो बताओ केपी बराबर आपने क्या पढ़ा है, केसी आरटी का पावर। अगर डेल्टा एन 0 है तो यहाँ पे पावर 0 दे दो, डेल एन के जगह 0 दे दो। जैसे ही 0 दोगे, मैंने बार बार बोला है किसी भी टर्म पे पावर 0 का वैल्यू आपको पता है, ये तो बेसिक मैथ है यार, 1 होता है। तो केपी बराबर केसी आरटी का पावर 0 मतलब 1, तो केपी और केसी में क्या रिलेशन हो जाएगा, केपी बराबर केसी हो जाएगा। अगेन फिर से बोल रहे हैं, जिस रिएक्शन का डेल्टा एन 0 होता है उस रिएक्शन में केपी केसी के बराबर होता है। इस बात को बैठा लीजिएगा, अगर आपसे बोले कि सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन केपी इक्वल्स टू केसी, तो उस रिएक्शन का केपी केसी के बराबर होता है जिस रिएक्शन में डेल एन का वैल्यू 0 होता है। जैसे मान लो मैंने बोला है कि ऐसा बोला कि सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैविंग केपी बराबर केसी, ठीक है ना। ऑप्शन ए में दे रहे हैं, ए से जा रहा है 2B, बी में दे रहे हैं 2A+B से गया 4C, सी में दे रहे हैं 3A+2B इक्विलिब्रियम का साइन गया 5C में, और डी में दे रहे हैं 2A से जा रहा है ए में, A2 में। चलिए इस तरह से मैंने आपको दे दिया है रिएक्शन, और मैंने बोला कि किस रिएक्शन में, अब बताओ बोला किस में डेल्टा मतलब केपी केसी के बराबर होगा। ऐसा बोलते ही दिमाग में आपका तो सबसे पहले क्लिक होना चाहिए कि केपी केसी के तभी बराबर हो सकता है जिस रिएक्शन का डेल्टा एन 0 होगा। अब चलिए 0 तो चेक करना है, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए की बात करते हैं, डेल एन चेक करना है, कैसे चेक करोगे, मोल्स प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बता दो, मोल प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट चेक करना है। तो प्रोडक्ट में कोएफिशिएंट कितना है, डेल एन के लिए क्या करोगे, प्रोडक्ट में कोएफिशिएंट 2 है और रिएक्टेंट में आपको कितना दिख रहा है 1, तो डेल्टा एन का वैल्यू 1, 0 नहीं है तो इसके लिए तो होगा नहीं। बी ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है मोल प्रोडक्ट में 4 दिखाई दे रहा है, डेल एन के लिए मोल्स प्रोडक्ट 4, मोल रिएक्टेंट तो ए का 2 है और बी के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो कितना हो जाएगा 3, डिफरेंस 1। सी वाले में आ जाओ, सी वाले में मोल प्रोडक्ट डेल्टा एन निकालना है, कैसे निकालेंगे, मोल प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मोल 5 है, रिएक्टेंट का मोल देखना है तो आगे कोएफिशिएंट को ही मोल कहते हैं, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, डेल एन 0 हो जाएगा। और जिस रिएक्शन का डेल्टा एन 0 होता है उस केस में केपी केसी के बराबर होता है। ऑप्शन डी की बात कर रहे हैं, डी वाले में डेल्टा एन निकालना है, कैसे निकालेंगे, मोल प्रोडक्ट प्रोडक्ट में कितना है 1, रिएक्टेंट में 2,
आ रहा है -1, यानी कि इकलौता ऑप्शन आपका कौन सा मिलने वाला है? सी ऑप्शन ऐसा है जिस केस में केपी और केसी क्या होगा, बराबर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, केस सेकंड की बात करते हैं। पहला केस तो हो गया कि केपी केसी के लिए क्या जरूरी है, डेल्टा एन को 0 होना जरूरी है। केस सेकंड जरा ध्यान से देखो, केस सेकंड है कि केपी अगर बड़ा हो केसी से तो क्या होगा। तो याद रखिएगा, ऐसा केस तब होगा इफ केपी ग्रेटर देन केसी है, तो वैसी स्थिति में डेल्टा एन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। डेल्टा एन अगर 0 से ज्यादा है, अगर डेल एन का वैल्यू क्या है, 0 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 0 है, तो वैसी स्थिति में केपी बड़ा होगा केसी से। और डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 तब होगा जब आपको मोल्स प्रोडक्ट वाले का मोल जो है वो ज्यादा हो मोल ऑफ रिएक्टेंट से। अगर प्रोडक्ट साइड का मोल ज्यादा आ रहा है रिएक्टेंट साइड के मोल से, तो वैसे स्थिति में आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलना है कि डेल एन ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अगर किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 है, तो वैसे स्थिति में केपी ग्रेटर देन केसी होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ऐसा लिखा है 4a+2b, इक्विलिब्रियम का साइन दे रहा है 7c, तो आप बताओ इस रिएक्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा है डेल्टा एन, पहले निकाल लो, मोल्स प्रोडक्ट 7 है और रिएक्टेंट 4, 2, 6, यानी कि 1 हो गया, यानी डेल्टा एन 0 से ज्यादा है। और जिस रिएक्शन का डेल एन 0 से ज्यादा हो, उस रिएक्शन के केस में केपी क्या होगा, बड़ा होगा केसी से। तो इस बात को भी हाईलाइट कर लीजिएगा। पहला दो थीम आपने देखा कि डेल एन 0 होगा तो क्या होगा, अगला कि एफ डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 है, क्या मैंने बोला कि अगर डेल्टा एन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो वैसी स्थिति में केपी बड़ा होगा केसी से। ये भी एज अ रिजल्ट के फॉर्म में जुबान पे होना चाहिए कि अगर किसी भी रिएक्शन में डेल्टा एन का वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से, तो वैसे स्थिति में केपी का वैल्यू ज्यादा होगा बाबू, किससे ज्यादा होगा, केसी वाले से ज्यादा होगा। चलो नेक्स्ट टर्म पे बात करते हैं। अगला आता है कि केस थर्ड। केस थर्ड है कि इफ डेल्टा एन लेस देन 0 हो जाए तो क्या इफेक्ट होगा। तो डेल्टा एन लेस देन 0 का मतलब हो गया कि डेल एन तो मैंने आपको बोला ही कैसे निकालना है, मोल प्रोडक्ट माइनस मोल रिएक्टेंट के हेल्प से। अब बताओ, आप हमें सिंपल वे में बताओ कि डेल्टा एन अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि, ध्यान से सुना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि डेल एन लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है तो क्या हो सकता है। तो डेल्टा एन लेस देन 0 तभी होगा जब व्हेन मोल रिएक्टेंट का ज्यादा हो जाए किसे, मोल प्रोडक्ट से। तो वैसी स्थिति में याद रखिएगा केपी से बड़ा हो जाएगा केसी, ठीक है ना। अगर लेस रहा तो क्या होगा, केपी से बड़ा हो जाएगा आपका केसी। इस बात को आपको बैठा लेना है, तो ये कुछ रिलेशन है जिसको आपको बैठाना है। चलिए एक बार जल्दी से हम रिकॉल कर दे रहे हैं। डेल्टा एन 0 ये तब होगा जब मोल प्रोडक्ट बराबर मोल रिएक्टेंट होगा, और वैसी स्थिति में केपी बराबर केसी होगा। डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 ये तभी होने वाला है जब मोल प्रोडक्ट का ज्यादा हो मोल रिएक्टेंट से, और वैसी स्थिति में बाबू केपी बड़ा हो जाएगा केसी से। अगला केस आता है कि डेल्टा एन लेस देन 0 हो, ये तब होगा जब मोल प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाए मोल रिएक्टेंट का, और वैसी स्थिति में केसी बड़ा हो जाएगा केपी से। तो इस बात को आपको बैठा लेना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको बैठाना है आपको कि सब कब क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, केपी कब बड़ा होगा, केसी कब छोटा होगा। तो ये सब टर्म्स है जिसको आप अच्छे तरीके से बैठा लो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, इसको आप अच्छे से एकदम दिमाग में बैठा लो। अब बात करने वाले हैं हम लोग, कुछ टर्म्स पे बात करने जा रहे हैं कैसे कैसे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा।
एक आता है जैसे कि गैसो होमोजीनियस रिएक्शन होगा, होमोजीनियस रिएक्शन, होमोजीनियस रिएक्शन कहते हैं जिसमें कि ऑल कंपोनेंट का फेज सेम हो। इफ फेज ऑफ ऑल कंपोनेंट आर सेम आ जाए तो वैसे को कहते हैं होमोजेनियस कहते हैं। ठीक है, सारे कंपोनेंट का फेज क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वैसे को होमोजेनियस कहते हैं। ठीक है, जैसे आप एक बात बताओ, हमने लिया है NH4HS और मैंने बोला कि ये जा रहा है NH3+H2S में जा रहा है। ठीक है, NH3+H2S में जा रहा है, मैंने बोला कि ये सॉलिड फेज में है, ये गैस में है, ये गैस में। आप हमें बताओ क्या सारे का फेज सेम है या नहीं? नहीं है, एक सॉलिड है, दो गैस है, तो आप इसे कहोगे हेट्रोजीनियस नेचर कहोगे। ये कैसा नेचर का है? हेट्रोजीनियस नेचर का है। और हेट्रोजीनियस है तो बताओ डेल्टा एन अगर निकालना हो तो आप कैसे लिखोगे, बताओ हमें। डेल्टा एन के लिए क्या लिखोगे? एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, दोनों गैस है तो 1 1 2 कर देंगे, अब माइनस सॉलिड रहा तो 0 कर देंगे, अल्टीमेटली डेल्टा एन 2 हो जाएगा। और केपी केसी में रिलेशन पूछेंगे तो आप बोलोगे केपी बराबर केसी इंटू आरटी का पावर डेल्टा एन के जगह 2 बैठा दोगे। अब मान लो कि मैंने सपोज करो कि मैंने क्या किया है कि स्टेरिफिकेशन ले लिया है, क्या लिया है, RCOOH ले लिया है, गौर करना ध्यान से समझिएगा। मैंने ऐसा दे दिया है और यहां पे बना रहे हैं ईस्टर, आप प्लस वाटर डाल रहे हैं, जरा ध्यान से देखना बाबू, ये भी तुम्हारा लिक्विड फेज है, ये भी तुम्हारा लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि सारा का सारा आपका क्या है, लिक्विड फेज है। अब लिक्विड फेज है तो अगर सारा लिक्विड है तो ये होमोजेनियस नेचर हो गया, कैसा नेचर हो गया, होमोजेनियस। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, अगर होमोजेनियस रहा कि इफ ऑल आर इन सेम फेज में हो तो नोट का बात ये आता है कि देन दैट कंपोनेंट विल नॉट इग्नोर, दैट कंपोनेंट विल नॉट इग्नोर, वैसे कंपोनेंट को इग्नोर नहीं करना है। मैंने आपको बोला था ना कि सॉलिड लिक्विड रहे तो उसे छोड़ देना है, लेकिन अगर सारा का सारा फेज लिक्विड है तो वैसी स्थिति में उसे होमोजीनियस वाले में विल नॉट इग्नोर, इग्नोर नहीं करना है आपको, ये बात को भी बैठा के चलना है। सॉलिड लिक्विड रहा, अगर एक सॉलिड एक लिक्विड आ रहा है तो आपको सॉलिड को हटा देना है, लिक्विड हटा देना है, लेकिन अगर सारा का सारा लिक्विड है तो वैसी स्थिति में इग्नोर नहीं करेंगे, तो वैसी स्थिति में आपको बैठा के चलना है कि मान लो कि अगर हमने सपोज करो कि मैंने यहाँ पे ऐसा लिया है सपोज, अब हम यहाँ डेल्टा एन की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा एन कैसे लिखोगे, सारा का सारा लिक्विड है तो भी कैसे लिखोगे, मोल कोएफिशिएंट बताते चले जाओ यार, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो आप सिंपल मैनर में लिखोगे मोल्स प्रोडक्ट का 2 माइनस मोल्स रिएक्टेंट का भी 2, तो अल्टीमेटली आ जाएगा आपको ये 0 आने वाला है, कितना आने वाला है 0। तो उस समय याद करो जब हम लोग पढ़े थे कि कैसे सॉलिड रहा, यहाँ ये देखो ना इस वाले रिएक्शन में देखो मोल में 0 ले ले रहे थे, लेकिन इसमें 0 नहीं ले रहे, इसमें जो डिजिट होगा नंबर होगा वही लेंगे अगर सारा का फेज सेम होगा। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि केस ऑफ केसी का एक्सप्रेशन अगर लिखना हो तो सॉलिड वाला या लिक्विड वाले के जगह 1 ले लेते थे, लेकिन इसमें वैसा नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे RCOOR का कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन, फिर क्या लिखेंगे एसिड का कंसंट्रेशन, RCOOH का कंसंट्रेशन और अल्कोहल का कंसंट्रेशन। मेरा बात समझने की कोशिश करो, हम क्या कहना चाह रहे हैं, मैंने आपको बोला था कि जब भी सॉलिड लिक्विड रहे दो चीज बताए थे,
डेल्टा एन में, डेल्टा एन के दौरान सॉलिड और लिक्विड की जगह एन का वैल्यू जीरो लेना है, और के इक्विलिब्रियम के दौरान सॉलिड और लिक्विड के जगह वन बैठा देना है। ये बताए थे, शायद आप सही से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये टर्म मैंने आपको बताया। लेकिन इस बात को आपको बैठाना है कि जब भी कभी अगर फेज सारा का सेम आ रहा है तो वैसी स्थिति में ऐसा नहीं करते, ये तब करते हैं जब हेट्रोजीनियस नेचर हो, होमोजीनियस नेचर में ऐसा नहीं किया जाता। तो अभी आपने जो जो टर्म पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, केपी के बारे में, केसी के बारे में, यूनिट से रिलेटेड, अब आइए थोड़ा सा हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया उस सारे क्वेश्चन को देखते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट कर। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका जेई मेन का है, दो हजार इक्कीस का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन है कि फॉर द रिएक्शन, और रिएक्शन क्या दिया हुआ है, Fe2N, ये बाबू सॉलिड में है, प्लस 3/2, ये तुम्हारा H2 गैस है, फिर यहाँ दिया है Fe, यहाँ 2 Fe, ये भी सॉलिड दे रहा है, और प्लस NH3 गैस आपसे बोल रहा है कि सो रिलेशन आपको स्टेबलाइज करना है, कौन सा सही है नहीं है। ऑप्शन ए में है Kp बराबर Kc Rt, सॉरी ये है Kc बराबर Kp Rt। ऑप्शन बी में है Kc बराबर Kp Rt का पावर 3/2। तीसरा में है Kc बराबर के पी आर टी का पावर 1/2, और डी में है के सी बराबर के पी आर टी का पावर -1/2। ठीक है, ये दे दिया है, आपसे बोल रहा है कि 121 का पूछा गया क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, ये इसमें सारा नेचर सेम है या अलग अलग है, सॉलिड गैस सॉलिड गैस। अगर सारा नेचर सेम रहता तो होमोजीनियस, होमोजीनियस में डेलन के दौरान जीरो नहीं करना है, लेकिन अगर हेट्रोजीनियस रहा तो सॉलिड और लिक्विड को के जगह जीरो बैठाना है। तो एक काम करो, सबसे पहले तो आप डेल्टा एन निकाल लो, बात का बाद में देखते हैं। डेलन निकालो, डेलन निकाला जाता है एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में मोल्स देखना है, मैंने आपको क्लियर कट बोला है, जो आगे कोएफिशिएंट होता है बाबू उसी को मोल कहते हैं। देखो NH3 के आगे कुछ नहीं है तो वन है, तो बताओ पहले मोल प्रोडक्ट का वन, जरा ध्यान से सुनिएगा, मोल प्रोडक्ट का कितना बैठाना है, वन, और आयरन क्या है, सॉलिड है तो सॉलिड के जगह जीरो, चाहे कितना भी कोएफिशिएंट क्यों ना रहे। अगर हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस कैसे पता चलेगा, देखो होमोजीनियस में सारा का सारा फेस सेम होगा, या तो सारा लिक्विड होगा या सारा गैस होगा। हेट्रोजीनियस का पहचान है कि एक सॉलिड एक लिक्विड या गैस डिफरेंट फेज रहा तो वो हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस के दौरान सॉलिड को और लिक्विड की जगह जीरो बैठाना, तो एक बार फिर से डेल्टा एन निकलता है एनपी माइनस एनआर से, मोल प्रोडक्ट का वन NH3, आयरन सॉलिड है, दो है तो दो नहीं लिखेंगे, जीरो लिखेंगे सॉलिड के लिए, माइनस एन रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट में बताओ Fe2N, ये सॉलिड है तो सॉलिड है तो इसके लिए क्या कर देंगे, जीरो, और प्लस 3/2 टोटल मोल प्रोडक्ट का माइनस टोटल मोल रिएक्टेंट का, तो बताओ क्या आ जाएगा, ये वन, और ये वाला जीरो में 3/2 जोड़ोगे तो 3/2 यानी -3/2, बता दो यार ये कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, माइनस कर लोगे तो ये -1/2 हो जाएगा। अब हमें ये बताना कि आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, के पी बराबर के सी इंटू आर टी का पावर, और डेल्टा एन, डेल्टा एन के जगह कितना बैठा देंगे, डेल्टा एन के जगह -1/2 बैठाना है। हमें निकालना क्या है, के सी, देखो सारा में के सी निकालना है, तो बताओ ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो के सी बराबर लिख सकते हैं के पी
आर टी का पावर 1/2। बोलो बाबू, ऐसा तो लिख ही सकते ना, आर टी का पावर -1/2। अच्छा एक बात बताना, 1 x का पावर -n है, ऊपर जाएगा तो इसे लिख सकते x का पावर n। वही काम करने वाले हैं, ये केपी का केपी, आर टी का पावर -1/2 ऊपर जाएगा तो लिख सकते आर टी का पावर 1/2 लिख सकते। और ऐसा कौन सा ऑप्शन में है जिसमें केसी बराबर केपी आर टी का पावर 1/2 है? तो वो ऑप्शन आपका थर्ड है। आप बोलोगे सर यहाँ भी तो है ऑप्शन, इसमें भी तो है, तो इसमें -1/2 है जबकि हमें चाहिए केपी आर टी का पावर 1/2 जो ऑप्शन थर्ड में मिल रहा है। ठीक है बाबू, और सारे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन आपका एम्स का है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, जितना भी नीट का एग्जाम का है, फिर एम्स है, मेन एडवांस सारा का देखेंगे, और जितना भी अदर नीट का जो क्वेश्चन पूछा गया अदर मेडिकल में, वो सारे को देखने वाले हैं। आ जाओ जरा ध्यान से देखते हैं। ये है क्वेश्चन एम्स, 1997 का पूछा हुआ है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन है कि इन द गैसेस फेज रिएक्शन, इन द गैसियस फेज रिएक्शन, बोला इन द गैसियस फेज रिएक्शन, क्वेश्चन है C2H4+H2 जा रहा है C2H6 में, ठीक है? बोल रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, ऑप्शन ए में मोल पर लीटर, ऑप्शन बी में मोल लीटर का पावर -2, सी में मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, डी में लीटर पर मोल। बहुत आसान से देख लेंगे। देखो ये मोल पर लीटर मतलब यूनिट के टर्म में, अब मोल पर लीटर का टर्म आता था केसी के यूनिट में, केसी का फॉर्मूला क्या था यूनिट का, मोल पर लीटर का पावर डेल्टा एन, आपने पढ़ा था ना केसी के यूनिट का फॉर्मूला। अब बताओ डेल्टा एन निकाल लो आप यहाँ से, डेल एन कैसे निकालोगे ये बताओ। डेल एन निकालने का फॉर्मूला होता है NP-nR। क्वेश्चन में पहले बोल दिया सारा गैसेस फेज रिएक्शन है, तो गैस को तो इग्नोर वैसे भी नहीं किया जाता है। आगे जो कोएफिशिएंट होता है बाबू वो मोल्स होता है, 1 है 1 है 1 है। प्रोडक्ट में बताओ मोल्स कितना है, जरा ध्यान से देख के बताना। प्रोडक्ट में 1 है, और रिएक्टेंट में C2H4 का 1, H2 का 1, 1 1 2 होगा यानी -1 हो जाएगा। चलो अब एक काम करते हैं, जरा ध्यान से केसी का यूनिट लगा देते हैं, क्या लगाएंगे, मोल पर लीटर का पावर डेल्टा एन के जगह बैठा देते हैं -1। -1 से सब में गुना कर दोगे तो हो जाएगा मोल का पावर -1, और लीटर -1 -1 +1 मोल -1 लीटर, मोल -1 लीटर, जो कि ऑप्शन कौन सा में मिल रहा है, ऑप्शन आपको डी में मिल रहा है। कंफ्यूज मत हो जाना यार, लीटर पर मोल है तो उसी को आगे पीछे लिख सकते हो, मोल पर लीटर भी आप लिख सकते हो। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले को ध्यान देना है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा एम्स, जो 1995 में पूछा है, और सेम क्वेश्चन को 2001 में भी रिपीट किया गया है। तो ये क्वेश्चन कब का है जरा ध्यान से, एम्स 1995, और सेम क्वेश्चन रिपीटिंग है 2001 में भी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन केपी बड़ा है केसी से, किसमें केपी का वैल्यू बड़ा है केसी से, ऐसा पूछ रहा है। अब केपी बड़ा है केसी से ये पूछ लिया है, और ऑप्शन दे दिया है ढेर सारा है। ऑप्शन ए में है PCl3, ध्यान से देखिएगा, PCl3+Cl2 जा रहा है इक्विलिब्रियम का साइन PCl5 में, बी में दे रहा है H2+I2 ये जा रहा है 2HI में, सी में 2SO2 SO3
प्लस ओ टू जा रहा है 2SO2 में, और डी में है N2+3H2, ये जा रहा है 2NH3 में। देखो वो ऐसा क्वेश्चन है और आपसे बोल रहा है कि बता दीजिए कि कौन सा इसमें सही होगा। अब एक काम करना है, पहले तो आप इस चीज़ को सुधार लो, बुक में थोड़ा एरर दिया हुआ है, 2SO3 हो जाएगा। देख लो, दो सल्फर है, 2 दूना 4 2 6। हाँ तो एक बात बताओ, केपी बड़ा है केसी से, ऐसा कब होगा टर्म कंडीशन? आपने पढ़ा है कि केपी अगर बड़ा है केसी से, तो ये तभी और सिर्फ तब होगा जब डेल्टा एन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और डेल्टा एन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 चेक करना है। तो चलो चेक करते हैं एक एक कर करके। ऑप्शन ए में डेल एन का वैल्यू चेक करते हैं, मोल्स प्रोडक्ट का है 1, माइनस मोल रिएक्टेंट का PCl3 का आगे कोएफिशिएंट 1, Cl2 का 1, यानी ये -1, यानी 0 से छोटा हो गया, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। बी वाले में आ जाओ, बी वाला में चलो चेक करते हैं, डेल्टा एन मोल्स प्रोडक्ट का हो गया 2, 2 है, और H2 के आगे कुछ नहीं है तो 1, I2 के आगे भी कुछ नहीं है तो 1, तो टोटल मोल रिएक्टेंट का 2, यानी ये हो गया 0। हमको डेल एन ग्रेटर देन 0 चाहिए। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, मोल्स प्रोडक्ट का है, डेल्टा एन चेक करो, मोल्स प्रोडक्ट का है 2, मोल्स रिएक्टेंट का चेक करो, टोटल मोल रिएक्टेंट का कितना होगा इसका 2, O2 के आगे कुछ नहीं है तो 1, 2 1 3, यानी ये भी -1, ये भी अगेन डेल एन लेस देन 0 हो जाएगा। और डी वाले में आ जाओ, डी वाला में कैसे आप चेक करोगे, जरा ध्यान से आपको चेक करना है। सबसे पहला कि आपको दिया हुआ है N2+3H2, 2NH3 दे रहा है, तो आप बताओ डेल्टा एन के लिए क्या करोगे? डेल्टा एन के लिए मोल्स प्रोडक्ट का चेक करना है, तो मोल्स प्रोडक्ट का आप चेक कर लो। सॉरी, ये वाला थोड़ा सा रिएक्शन ही हमने गलत लिख दिया था, इसको थोड़ा आप सुधार लेना। ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है ना, ये थोड़ा सा इसको ऑप्शन सी को थोड़ा सुधार लो, सी वाला मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया है। सी में आपको बाबू ऐसा दिया हुआ है, ये था 2SO3 ही था, ये ऐसे था O2+2SO2। चलिए थोड़ा सा आपको फिर ऑप्शन को भी सुधारना होगा, ये वाला में थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिए, जरा ध्यान से। चलिए एक बार फिर से मिला लेते हैं, कोई नहीं। बी वाले में डेल्टा एन का वैल्यू बता दो, 2 -2 कितना हो जाएगा 0। सी ऑप्शन में जरा चेक करो, सी ऑप्शन में बताओ डेल्टा एन कैसे निकालोगे। डेल्टा एन के लिए मोल्स प्रोडक्ट, तो मोल प्रोडक्ट में आप देख लो 2 है SO2, O2 का 1 है, तो मोल प्रोडक्ट में 3 आ रहा है टोटल, और रिएक्टेंट में कितना दिखाई दे रहा है, 2 आ रहा है 1, डेल्टा एन 1 है, यानी कि 1 से 0 से ज़्यादा है, यानी इसमें डेल्टा एन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। डी वाले में आ जाओ, डेल्टा एन निकाल लो, मोल प्रोडक्ट का 2 आ रहा है, रिएक्टेंट का 3H2 है और 1N2 है, मतलब 4, यानी ये हो गया -2। निगेटिव का मतलब हो गया लेस देन 0, तो आपको बोल रहा है कि किसमें केपी का वैल्यू बड़ा होगा केसी से, उसी में ना होगा जिसमें डेलन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। मैंने अभी तो समझाया था आपको कि डेल्टा एन अगर 0 के बराबर हो तो केपी बराबर केसी के होता है, डेलन अगर ग्रेटर देन 0 हो तो केपी बड़ा होता है केसी से, और डेल्टा एन लेस देन 0 हो तो ऐसी स्थिति में केपी से बड़ा हो जाता है केसी। तो आपके सामने है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इसका सही आंसर होगा बाबू। अब आगे की ओर फिर से बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं, ये एम्स का था, अगला क्वेश्चन भी एम्स का ही है, 2005 का पूछा गया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है बाबू एम्स 2005 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन टू NOCl, ये गैस है, इक्विलिब्रियम का साइन 2NO गैस, और प्लस Cl2 गैस, केसी कह रहा है कि केसी एट टू केसी एट 427 डिग्री सी इज 3 × 10⁻⁶। तो बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ केपी इज, ठीक है, द वैल्यू ऑफ केपी इज, ऑप्शन ए में देखो, ए में दे रहा है 7.5 10⁻⁵ दे रहा है,
बी में कह रहा है 2.5 टेन का पावर -5 कह रहा है, सी में कह रहा है 2.5 टेन का पावर -4 कह रहा है, और ऑप्शन डी में कह रहा है 1.75 टेन का पावर -4 कह रहा है। चलो बाबू, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। आप पहले तो एक एक कर करके चलो। सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि केपी केसी में रिलेशन आप क्या जानते हो। केपी बराबर केसी इंटू आरटी का पावर डेल्टा एन, जानते हो या नहीं? अब वन बाय वन सबसे पहला काम तुम्हारा बनता है कि डेल्टा एन निकाल लिया करो। डेल्टा एन कैसे निकालते हैं? मोल्स प्रोडक्ट, टोटल मोल प्रोडक्ट का माइनस टोटल मोल रिएक्टेंट का। टोटल मोल प्रोडक्ट का निकालोगे तो दो और क्लोरीन के आगे कुछ नहीं है तो वन, दो एक तीन हो जाएगा। और रिएक्टेंट का निकालोगे तो रिएक्टेंट के आगे कोएफिशिएंट है दो। यार जो आगे नंबर होता है ना, कंपाउंड के आगे जो नंबर होता है उसी को मोल कहते हैं। तो 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब चलो जरा ध्यान से सुनना। केपी बराबर के सी आर टी का पावर, डेल्टा एन के जगह 1 बैठा दो, के सी के जगह बैठाओ, के सी के जगह कितना बैठा होगा? 3 × 10⁻⁶, आर के जगह बैठा दो 0.0821। टेम्परेचर के जगह जरा ध्यान से देखना, टेम्परेचर है 427 °C, 427 में 273 ऐड कर दोगे आ जाएगा 7 × 3 = 10, 7 × 2 = 10, 4 × 2 = 6, 6 × 1 = 7। अगेन फिर से बोले, 7 × 3 = 10, 7 × 2 = 1 = 10, 4 × 2 = 6 = 7, ये 700 हो गया। ठीक है, केसी दिया ही था आपको, केपी निकालना है। तो बताओ ये 3 का 3 10 के पावर -6, और इसको गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा आपको, एक मिनट हम गुना करके दिखाई दे रहे हैं, रुक जाइए। हाँ, गुना करना है, कैसे कैसे करना है जरा, 0.0821 को गुना करना है हमें 700 से, 700 से तो 57.47 आएगा, और उसमें गुना कर देना है 3 से, तो ये वाला वैल्यू एग्जैक्टली आपको, हम सीधा गुना भाग करके हम आपको फाइनल बता रहे हैं, आप कर लेना आराम से। ये आपको बहु वैल्यू जो आने वाला है, ये वैल्यू आएगा 172.4 × 10⁻⁶। तो हमेशा डेसिमल कोशिश किया जाता है कि 1 डिजिट के बाद हो, तो 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1.72। 100 से डिवाइड किया है तो 2 यूनिट से घट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 का पावर -4, और 1.72, 725 से मतलब नहीं, उतना नियरेस्ट नहीं जाना है, 1.75 10 के पावर -4। ऑप्शन कौन सा? डी आपका सही आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है आपका एम्स 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। बारह का पूछा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि केपी बाई में केसी फॉर अ रिएक्शन विल बी, ठीक है ना, CO प्लस HO2 गैस जा रहा है CO2 गैस में। ऑप्शन ए में आर टी, बी में 1/RT, सी में 1/√RT, और डी में RT/2। देखो बाबू, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, ये एम्स 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। आप एक एक करके चलो। सबसे पहले हमें ये बताओ कि केपी केसी में रिलेशन आपने क्या पढ़ा है। केपी बराबर केसी आर टी का पावर डेल्टा एन, ये पढ़ा है आपने। बताओ ये गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो केपी बाई में केसी बराबर क्या आ गया आपके पास? आर टी का पावर डेल्टा एन आ रहा है। अब बताओ डेल्टा एन का वैल्यू कितना लेंगे? तो डेल एन लिखना है तो डेल एन कैसे लिखेंगे? डेल एन लिखने का तरीका है मोल्स प्रोडक्ट माइनस मोल रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का मोल बता दो आगे कितना है, ये 1 है। रिएक्टेंट का बता दो कितना दिखाई दे रहा है, सीओ का 1 और CO2 का हाफ। भाई मेरे सीधा सा बात है, माइनस कर दो तो 1, अंदर में माइनस करोगे -1, -1/2, -, कैंसिल माइनस प्लस से, ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। अब -1/2 हो गया तो थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, कर लीजिए। बताइए केपी बाई में केसी, सॉरी, केपी बाई में केसी बराबर
आर टी का पावर, यहाँ इसको कर दो, RT का पावर -1/2, -1/2 को लिख सकते क्या? RT का 1/RT का पावर 1/2, और 1/2 को लिख सकते हैं 1/√RT। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन आपका इकलौता सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका एम्स 2012 का पूछा गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा AIPMT 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है, AIPMT 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है वो देख लो। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसमें KP नॉट इक्वल्स टू KC है, KP नॉट इक्वल्स टू KC इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें KP का वैल्यू KC के बराबर नहीं होगा। और ऑप्शन आपके सामने है ढेर सारा, 2NO, इक्विलिब्रियम का साइन क्या क्या दे दिया है ये देख लो, N2+O2, ठीक है। बी में दे रहा है SO2 गैस, सॉरी SO2 गैस प्लस, SO2 गैस प्लस प्लस में दे रहा है NO2 गैस, यहां से मिल रहा है SO3 गैस प्लस NO गैस, सी ऑप्शन है H2+I2। इक्विलिब्रियम का साइन 2H है, डी है 2 कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, दे रहा है 2CO2 गैस मिल जा रहा है। ये AIPMT 2010 का क्वेश्चन है, बोला गया था कि किसमें KP KC के बराबर नहीं है। आराम से चलते हैं। सबसे पहले तो आपको जो बात बार बार बोले हैं उसको बैठाओ, KP बराबर KC तब होता है बराबर जब डेल्टा एन का वैल्यू 0 के बराबर होता है, ठीक है। अगला कि अगर KP बड़ा होता है KC से तो वैसे स्थिति में डेल एन ग्रेटर देन 0 होता है, और KP से बड़ा होता है KC तो वैसे स्थिति में डेल्टा एन लेस देन 0 होता है। मतलब बोला नहीं बराबर है, नहीं बराबर है, इसका मतलब जिसमें डेल एन का वैल्यू 0 नहीं होगा उसमें KP KC के बराबर नहीं होगा। अगेन फिर से बोले, बोल रहा है क्वेश्चन में कि KP नॉट इक्वल्स टू KC, तो ऐसा तभी होगा जिसमें डेल्टा एन का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। आप चेक कर लो, आपके पास चार ऑप्शन है, चारों को चेक करना है। ए में चेक करो, 1 1, तो बताओ डेल्टा एन कैसे निकालोगे। एन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में 1 1 2, अब माइनस रिएक्टेंट में कोएफिशिएंट 2 है, माइनस करके 0 हो जाएगा। हमने क्या बोला, केपी केसी के इक्वल तभी नहीं होगा, अगर डेल एन 0 हो जाएगा तो केपी बराबर केसी हो जाएगा। बोला नहीं इक्वल होना चाहिए, तो ए तो नहीं होगा यार, क्योंकि जिस रिएक्शन के केस में डेल्टा एन का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगा उसी केस में केपी नॉट इक्वल्स टू केसी होगा। यहाँ तो बराबर हो गया, तो डेल एन 0 हो गया तो केपी बराबर केसी हो जाएगा। यहाँ भी डेल्टा एन निकालो, मोल प्रोडक्ट का कुछ भी नहीं है तो 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो बताओ 1 1 कितना होगा, 2, रिएक्टेंट साइड में भी 2, 0, इस केस में भी केपी बराबर केसी हो जाएगा। सी वाले में आ जाओ, मोल्स प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल एन निकाल लो, प्रोडक्ट का मोल कितना है 2, रिएक्टेंट का 1 1 2, माइनस करके आ जाएगा 0, इन सबों केसों में आपको केपी बराबर क्या होगा बोलो, केसी होगा। समझ में आ रहा है। और डी ऑप्शन में अगर हम बात करें तो डी में कैसे निकालेंगे डेल्टा एन, जरा ध्यान से बोलना है, मोल प्रोडक्ट का कितना है 2, माइनस सॉलिड की जगह, मैंने बोला था कि सॉलिड जब भी मिल जाए तो उसे इग्नोर कर देना है, तो कार्बन सॉलिड के फॉर्म में है तो 2 माइनस माइनस, बताओ O2 गैस है तो 1, और सॉलिड के लिए 0, तो बताओ 2 में से 1 गया 1, यानी डेल एन 0 नहीं है, तो नहीं है तो इस केस में केपी कभी भी बराबर नहीं होगा केसी के, क्योंकि केपी बराबर केसी तभी होता है जिस रिएक्शन का डेल्टा एन क्या होता है बोलो, 0 के बराबर होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, इसका डी इसका सही आंसर होगा। चलिए ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये AIPMT 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है AIPMT
2010 क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट है, MgCO3 सॉलिड है, ये टूट रहा है, किसमें जा रहा है? MgO+CO2। देखो बाबू, ये तुम्हारा ये भी सॉलिड कह रहा है और ये भी बाबू तुम्हारा गैस कह रहा है। ये अब बोला है कि इसमें कौन सा सही होगा, ठीक है ना? तो बोला है कि Kp विल बी ऑप्शन ए में, Kp बराबर पार्शियल प्रेशर CO2, बी में Kp बराबर पार्शियल प्रेशर CO2 इंटू पार्शियल प्रेशर CO2 इंटू पार्शियल प्रेशर MgO बाई में पार्शियल प्रेशर MgCO3, सी में कह रहा है कि Kp बराबर पार्शियल प्रेशर CO2 पार्शियल प्रेशर MgO पार्शियल प्रेशर MgCO3, और ऑप्शन डी कह रहा है Kp बराबर पार्शियल प्रेशर MgCO3 पार्शियल प्रेशर CO2 और पार्शियल प्रेशर MgO। देखिए ये क्वेश्चन है PMT 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है और आपको इसमें पूछा गया है कि कैसे बताइए कौन सा सही होगा। सबसे पहला काम तो आपका बनता है यहाँ पे कि केपी के लिए आप क्या करोगे बताओ। केपी के लिए मैंने बोला है कि जब भी केपी और केसी का एक्सप्रेशन लिखना है तो कैसे लिखोगे पहले बताओ। केपी है तो पार्शियल प्रेशर डालोगे, तो पहले लिखोगे गैस के लिए पार्शियल प्रेशर CO2। बताओ MgO सॉलिड है तो बोले थे केपी के एक्सप्रेशन में सॉलिड के लिए 1 बैठा देना है, और बाई में प्रोडक्ट वाला राइट, बाई में लेफ्ट, के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखने का तरीका होता है राइट वाले का बाई में लेफ्ट। अगर केसी रहा तो कंसंट्रेशन, केपी रहा तो पार्शियल प्रेशर, के एक्स रहा तो मोल फ्रैक्शन, MgCO3 सॉलिड है तो इसके जगह 1 बैठा दोगे तो अल्टीमेटली पार्शियल प्रेशर CO2 के बराबर हो जाएगा, जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, कुछ और भी अदर मेडिकल का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है KCET का है, क्वेश्चन 2013 का। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सो विच ऑफ द फॉलोइंग केपी बराबर केसी, इसमें केपी बराबर केसी है। अब ऑप्शन ए में कह रहा है H2+Cl2 इक्विलिब्रियम का साइन 2HCl, बी में कह रहा है 2SO2 प्लस O2 इक्विलिब्रियम का साइन 2SO3, ऑप्शन सी में कह रहा है 2NOCl इक्विलिब्रियम का साइन 2NO+Cl2, ऑप्शन डी में कह रहा है N2+3H2 इक्विलिब्रियम का साइन 2NH3। देखो यार, अब केपी बराबर केसी बोल रहा है तो ऐसा कब होता है पहले हमें ये बताओ, केपी केसी के कब बराबर होता है? मैंने आपको बताया ना कि केपी केसी के तब बराबर होता है जब डेल्टा एन का वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो चेक कर लेना कौन सा समय हो रहा है। ऑप्शन ए में डेल एन निकालो, मोल प्रोडक्ट का 2 है, अब मोल रिएक्टेंट का 1 1 2 हो जाएगा, 0 आ तो गया, ऑप्शन आपका ए हो गया। फिर भी चेक करना हो तो कर सकते हो, डेल्टा एन निकाल दो, मोल प्रोडक्ट का 2, मोल रिएक्टेंट का SO2 का 2 और ऑक्सीजन का 1, 3, -1 हो जाएगा। सी में चेक करो, मोल प्रोडक्ट का 2 1 3, डेल्टा एन निकालने के लिए मोल प्रोडक्ट का 3 और रिएक्टेंट का 2 1 हो गया। डी में निकालो डेल्टा एन, मोल प्रोडक्ट का 2, रिएक्टेंट का 3 1 4, यानी हो जाएगा -2। किस केस में बराबर होगा केपी केसी? जिस केस में डेल एन का वैल्यू 0 होगा उसी केस में बराबर होगा। चलिए अगला है, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब अदर मेडिकल का क्वेश्चन अभी देख रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बाबू वो है यूपी CPMT का है और क्वेश्चन आपका ये भी 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि H2+Cl2 ये इक्विलिब्रियम का साइन 2HCl। अब बोल रहा है कि किसो बताइए इसके लिए क्या सही है, केपी बराबर केपी नॉट इक्वल्स टू केसी, बी में केपी बराबर केसी, सी में है केपी बड़ा है केसी से और डी में है केपी से बड़ा है केसी।
अब आप हमें बार बार बोले हैं आप पहले डेल्टा एन निकाल लिया करो। डेल एन का वैल्यू देख लो कैसे निकालोगे, मोल प्रोडक्ट माइनस मोल रिएक्टेंट, टोटल मोल प्रोडक्ट माइनस टोटल रिएक्टेंट। बार बार बोले हैं जो आगे कोएफिशिएंट होता है, जो ये नंबर होता है इसी को मोल्स कहते हैं, कितना है 2। रिएक्टेंट के तरफ सी एल टू का कुछ भी नहीं दिया है, तो 1, एच टू का 1, 1, 1, 2, डेल एन 0 हो जाएगा, और जिसमें डेल एन 0 होता है के पी बराबर के सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका एआई ओडिशा का पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कब का है। ओडिशा का पूछा गया क्वेश्चन है बहु, जो ये क्वेश्चन है ओडिशा जेई का है, और ये 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको बताना है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, ठीक है, और वो किसके लिए बताना है, एन टू प्लस थ्री एच टू इक्विलिब्रियम का साइन 2NH3। तो बताओ ऑप्शन ए में कह रहा है कि केपी बराबर केसी आर टी, बी में कह रहा है कि केसी बराबर केपी आर टी का पावर -2, सी में कह रहा है के सी बराबर, ऑप्शन सी है के सी बराबर के पी आर टी, और डी में कह रहा है के पी बराबर के सी आर टी का पावर -2। ठीक है, अब जरा ध्यान से आप बात को समझो। सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि के पी के सी में रिलेशन क्या होता है। के पी बराबर होता है के सी आर टी का पावर डेल्टा एन होता है, होता है बाबू। डेल एन का वैल्यू बता दो कितना है, मोल्स प्रोडक्ट है 2, मोल्स रिएक्टेंट 3, 1, 4, मतलब हो जाएगा -2, मतलब हो जाएगा के पी बराबर के सी आर टी का पावर, आर टी का पावर -2। ऐसा कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपका डब्ल्यू वी का है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। अगला जो क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका डब्ल्यू बी का है। तो क्वेश्चन क्या है, ये भी 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेट के सी, कैलकुलेट के सी फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन गिवेन बिलो। गिवेन बिलो इफ के पी बराबर 167 एट टेम्परेचर बराबर आपको दे दिया है 800 डिग्री सी, और क्वेश्चन है सी ए सी ओ थ्री सॉलिड, इक्विलिब्रियम का साइन सी ए ओ सॉलिड सी ओ टू गैस। ऑप्शन ए में दे रहा है 1.95, 1.85, 1.89, 1.6। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा कैसे निकालेंगे। पहला तो काम बनता है आपका कि डेल एन निकाल लो, यहाँ पे जो आसानी से आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे ये बताओ, मोल प्रोडक्ट माइनस मोल रिएक्टेंट एन पी माइनस एन आर से। बताओ एन पी कितना लिखोगे, गैस है तो 1, सॉलिड के लिए 0, रिएक्टेंट कितना लिखोगे सॉलिड के लिए 0, तो आ जाएगा 1। 1 आ गया तो आप बताओ कि के पी के सी का रिलेशन क्या पढ़े हो आप, के पी बराबर के सी आर टी का पावर 1। के पी के जगह बैठा दो आप, कितना बैठाओगे जरा ध्यान से, ये आपका टेम्परेचर है, के पी के जगह आप बैठा दो 167 डाल दिए, के सी निकालना छोड़ दो, आर के जगह 0.0821, टेम्परेचर के जगह बाबू कैल्विन में देना होता है, और टेम्परेचर है आपको 800 डिग्री सी
तो डिग्री सी को कैल्विन में बदलने के लिए 800 में 273 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 3, ये 7 और 2। तो टेम्परेचर की जगह हमें कितना डालना है, 1073। अब आपको करना क्या है कि इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा। जरा ध्यान से देखना, केसी का वैल्यू होगा 167, 0.0821 गुना 1073। चलिए हम गुना करके आपको दिखा दे रहे हैं कितना आ रहा है वैल्यू, ध्यान से देखिएगा। वन सिक्स सेवन डिवाइडेड बाई 0.0821 और इसको डिवाइड करना है हमको 1073 से, तो आपको आ गया बाबू 1.89 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1.89 आ रहा है, जो ऑप्शन आपका सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है बाबू, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रोकते हैं, फिर अगले क्लास आगे की ओर बढ़ेंगे। और आपका जितना भी टर्म मैंने पढ़ाया उसको अच्छा से रिवाइज करो, और जहाँ भी दिक्कत हो, क्योंकि इतना पढ़ा दिए कि क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, कहीं का भी आप मॉडल लगाओ, कुछ भी लगाओ, बहुत सफिशियंट है जितना भी कंटेंट दे रहे हैं। बस एक एक टर्म को आप बारीकी से जो भी पढ़ा रहे हैं उसको सही से रिवाइज करो, और क्वेश्चन हम खुद भी बहुत सारा करवा देंगे आपको, जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, नेक्स्ट क्लास आगे की ओर बढ़ते हैं।